क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ऑफ रूम आउटसाइड अ रूम व्हिच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। हमें क्या कह रहा है कि एक रूम है, इसके चारों तरफ क्या कर रखा हमने, वरांडा क्या कर रखा है, बना रखा है, ठीक है। तो ये वरांडा जो है हमारा, ये इसकी विड्थ कितनी है, ये जो विड्थ है चारों तरफ वाली ये कितनी है, 2.25 है, ठीक है। तो 2.25 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका द एरिया ऑफ वरांडा, हमें क्या करना है, ये जो वरांडा है इस रूम के चारों ओर हमें उसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ वरांडा क्या हो जाएगा। अब देखो इस पूरे एरिया में से हम क्या रूम के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रूम विद वरांडा माइनस करेंगे इससे एरिया और रूम को, ठीक है। तो तब जाके हमारा आंसर निकल जाएंगे, तो एरिया ऑफ रूम विद वरांडा क्या हो जाएगा, L इंटू बी बिकॉज रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर जो L होगा हमारा, L क्या होगा यहाँ पे, अब हमें ये रूम का एरिया प्लस वरांडे का एरिया, वरांडा भी लेना है पूरा। तो ये देखो लेंथ यहाँ पे 5.5 है, तो 2.25 यहाँ से जुड़ जाएगी, 2.25 यहाँ से जुड़ जाएगी। तो 5.5 प्लस करेंगे 2.25, ठीक है, वो भी दो बार, दो बार प्लस करेंगे तो एल क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 2.25 यहाँ से भी है, 2.25 यहाँ से भी है, तो दो बार प्लस किया तो 10 मीटर आ गया लेंथ। और ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारे पास, अब ब्रेथ देखो 4 है, ये वाले ब्रेथ 4 है, 2.25 यहाँ से और 2.25 यहाँ से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b आपका 8.50 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 8.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 8.50, तो ये क्या हो जाएगा 85 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रूम विद वरांडा ये क्या हो गया हमारा 85 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रूम निकालना है, तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू क्या जाएगा एल इंटू बी, यहाँ पे एल क्या होगा हमारा रूम का एरिया, रूम की लेंथ कितनी है 5.5 मीटर और रूम की ब्रेथ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5.5 इंटू 4 करेंगे, 4 5 20 22 हो जाएगा, तो 22.0 मीटर स्क्वायर, तो 22.0 को हम 22 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम एरिया ऑफ वरांडा निकालेंगे, एरिया ऑफ वरांडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये जो हमारा एरिया आया, एरिया इस एरिया में से इसको माइनस करेंगे ना, तो 85 माइनस होगा 22, तो 85 माइनस 22 कितना होता है 63, ठीक है। 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ वरांडा, ठीक है, 63 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट इसका, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कॉस्ट निकालनी है,
ये जो बरामदा का एरिया आया हमारा, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इसमें जो फ्लोरिंग हुई है, फ्लोर में जो सीमेंटिंग हुई है उसका हमें रेट निकालना है। तो यहाँ पे पर मीटर का 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट कितना दे रखा है, 4 1 मीटर स्क्वायर रेट इज इक्वल टू कितना है, 200 रुपीज है, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो वरांडा का एरिया है हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 6 6 2 12, और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी, कितना आएगा 12,600 रुपीज, ठीक है। तो 63 मीटर स्क्वायर वाले वरांडा को सीमेंटिंग करने में कितनी कॉस्ट आएगी, 12,600 रुपीज, ठीक है। अगर हमारा क्या पर मीटर स्क्वायर के लिए रेट कितना है, 200 रुपीज है, तो आंसर हमारा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइज 30 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर गार्डन है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक 1 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया, ठीक है, और इसकी साइज कितनी है, 30 मीटर है। तो हम जो पाथ है, सबसे पहले इसमें दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ द पाथ, हमें पाथ का एरिया निकालना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, और इसको दे देते हैं ई एफ जी एंड एच, तो ठीक है। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा, अभी स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी की साइड कितनी है, 30 है, तो 30 स्क्वायर का मीन 30 × 30 होगा, तो कितना आ जाएगा, 3,900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसी तरीके से एरिया ऑफ ई एफ जी एच निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्या होगा, इसके लिए इसका भी साइड स्क्वायर होगा, इसके लिए साइड क्या होंगी, 30 में से हम माइनस करेंगे क्या, 1 मीटर का पाथ है, तो 1 मीटर का पाथ दोनों तरफ है, 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया 28 आ गया, 28 स्क्वायर हो जाएगा, तो 28 स्क्वायर कितना, तो 28 × 28 करेंगे, यहाँ पे करते हैं इसको 8 × 64, यहाँ पे 6 8 × 16, और 6 कितना होता है, 22। इसी तरीके से कुछ से करेंगे तो 22 से करेंगे 2 8 16, क्या यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 4 और 1 5 6 8 786, कितना आ रहा है ये, 786 आ रहा है, और सॉरी यहाँ पे 8 8 16 होता है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8 2 16 16 और 6 कितना होता है, 22, और यहाँ पे 2 8 16, तो यहाँ पे आएगा 784 आएगा ये, ठीक है, 784 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे 900 माइनस करेंगे 784, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 4 करेंगे तो 6 9 - 8 करेंगे तो 1, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 16, और 8 - 1 करेंगे तो 116 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया हमारा, 116 मीटर स्क्वायर,
और नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब सेकंड में हमने पूछ रखा है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन। अभी जो पार्ट था पार्ट का हमने निकाल दिया था, अब हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है ये बीच वाला, इसमें हमने क्या करना है, ग्रास को हम प्लांट कर रहे हैं तो ग्रास को प्लांट करने के लिए पर मीटर स्क्वायर पर मीटर हमारे कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज़ है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये 30 है तो यहाँ पे भी एल इंटू बी होगा, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस वन करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, एल इंटू बी नहीं सॉरी ए स्क्वायर, बिकॉज ए बी स्क्वायर की शेप में एस स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी साइड है तो क्या आ जाएगा एरिया 28 इंटू 28 करेंगे, 28 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आएगा, ये 28 इंटू 28 64, यहाँ पे 6 आएगा, 8 टू 16 और 6 कितना होगा 22, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 2 टू जा 4 और 1 5, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 4 8 7, तो कितना आ रहा है 784 आ रहा है मीटर स्क्वायर में। तो आप कॉस्ट निकालेंगे इसकी, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास 40 रुपीज है, ठीक है तो फिर तो कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 784 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, तो क्या आ जाएगी कॉस्ट, आ जाएगी हमारी 4 4 16, 4 8 32 और 1 कितना होता है 33, कह रहे थे 4 20 28 28 और 3 कितना होता है 31 और 1 0 है यहाँ पे, तो कितनी आ रही है कॉस्ट 31,360, ठीक है। तो प्लांट को ग्रास को प्लांट करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी हमारी 31,360 रुपीज़ की, ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड विड्थ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, गिव द आंसर इन हेक्टेयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक पार्क दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है 700 मीटर और विड्थ कितनी है 300 मीटर, तो इसके अंदर दो रोड्स हैं यहाँ पे जिनकी विड्थ कितनी है 10 मीटर विड्थ है, तो ये जो 10 मीटर विड्थ वाली जो रोड्स हैं तो ये इस तरीके से है कि ये क्या कर रही है बीचों बीच जो रेक्टेंगुलर पार्क का मिडिल पॉइंट है यहाँ पे क्या कर रही है ये इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इन रोड का क्या करना है एरिया निकालना है और साथ ही साथ जो रेक्टेंगल में बचा हुआ एरिया है मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया में से इसको रोड के एरिया को माइनस करके भी वो भी हमें निकालना है, वो भी किसमें हेक्टेयर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखो जो EFGH है ये वाली रोड है जो ये क्या है पैरेलल है इसकी लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोड सबसे पहले कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ EFGH ठीक है इसका एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ पी क्यू आर एल एस इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों का एरिया निकल जाएगा इसका एरिया और इसका एरिया। अब देखो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसका एरिया निकाला तो ये वाला एरिया भी हमारा इंक्लूड हो गया इसके साथ, अब ये वाला एरिया निकाला तो ये दोबारा से इंक्लूड हो रहा है ना,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को एक बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें से इन दोनों में से माइनस करेंगे के एल एम एन वाले एरिया को, के एल एरिया ऑफ के के एल एम एन वाले को, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पूरा रोड का एरिया निकलेगा। तो करते हैं इसे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ई एफ जी एच निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई एफ कितना है, ई एफ कितना होगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच निकालना है। तो ये भी क्या एक रेक्टेंगल है, अगर इसको सही से देखेंगे तो ये भी क्या रेक्टेंगल है। अब इसकी विड्थ तो हमें पता है कितना है, 10 है, ठीक है। तो विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, विड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ होती है ना, तो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो रेक्टेंगल की रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ है उसी की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 10, और विड्थ कितनी होगी, जितनी रोड की विड्थ है, सॉरी लेंथ कितनी है यहाँ पे 700 इंटू विड्थ कितनी है 10 होगी, तो 710 का ये हो जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस रोड का एरिया कितना आ गया, 7000 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालेंगे, तो पी क्यू को हमें पता है कितना होगा, मतलब लेंथ इंटू विड्थ होगा यहाँ पे भी, तो पी क्यू आर एस ये वाला है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 300, क्योंकि ये इसके ये इस रेक्टेंगुलर पार्ट की विड्थ के पैरेलल है ना, तो ये 300 हो जाएगी इंटू इसकी विड्थ कितनी होगी 10, तो 3×10=30 हो जाएगा, ये 3000 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले का भी एरिया माइनस करना है ना, तो एरिया ऑफ के एल एम एन को हम फाइंड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, के एल एम एन जो है हमारा वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड कितनी है, रोड की जितनी विड्थ होगी उतना ही होगा, मतलब 10×10, तो ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो एरिया ऑफ रोड क्या निकलेगा हमारा, सबसे पहले एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना है, 7000 प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना है, 3000, इसमें से माइनस करना है हमें एरिया ऑफ के एलेवन, के एलेवन का एरिया कितना है, 100, तो 7+3 कितना होता है, 10, तो 10000 हो जाएगा, ठीक है। 10000 - 100 करेंगे तो 0, 0, 10 - 1 करेंगे तो 9, ये भी कितना आ जाएगा, 9900 आ जाएगा ये, ठीक है। 9900 आएगा वो भी किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ रोड हमारा निकल गया 9900, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अब पार्क का एरिया फाइंड करना है, वो भी रोड के एरिया को माइनस करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्क का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क कितना है। अब यहाँ पे ABCD है ना, तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी, तो लेंथ कितनी है आपके 700, इंटू विड्थ कितनी है 300, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, 7×3=21, तो 210,000 हो जाएगी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर स्क्वायर वाले एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, और एरिया ऑफ रोड इन, तो सही से करता हूँ मैं, यहाँ पे करते हैं इसे एरिया ऑफ रोड इन हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में क्या हो जाएगा, 9900 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10000 से,
बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 1/10,000 हेक्टेयर, तो 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है, वो भी किसका, रोड का एरिया आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर। अब इसको भी हम क्या करेंगे, हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो इन हेक्टेयर ये क्या आ जाएगा 21, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 10,000 का, तो 40 से यहाँ पे 40 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा 21 हेक्टेयर। अब देखो ये तो क्या है हमारा पूरे टोटल पार्ट का एरिया है, इसमें से हमें क्या करना है, रिमेनिंग वाला एरिया बचाना है, बताना है। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया क्या रहेगा, रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 21 में से, अब ये भी हेक्टेयर में, ये भी हेक्टेयर में, इसको माइनस कर देंगे रोड के एरिया को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और 10 - 9 कितना होता है 1, और फिर 10 - 9 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20, तो 20.01 हेक्टेयर। ठीक है, कितना आएगा हमारा आंसर, मतलब जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो एरिया हमारा बच रहा है रोड के अलावा जितना भी एरिया इसके अंदर, वो कितना है 20.01 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।